नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित, युवाओं को भी करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में होंगे शामिल, वहां एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ FIR होगी। PIB फैक्ट चेक पे ये दावा पाया गया फर्जी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर है और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में मांगा गया है जवाब। और अब खबरें विस्तार से। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चुने गए नव नियुक्त युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवा, आयकर निरीक्षक, शिक्षक जैसे विभिन्न पदों में शामिल किया जाएगा। ये नव नियुक्त युवा नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, PA, MTS जैसे पदों पर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो वहीं G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का कल दूसरा दिन था। बैठक में डिजिटल हेल्थ में नवाचार, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की और साथ ही योग का आनंद भी लिया। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन से पहले देश में विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें हो रही हैं। इसी क्रम में पहले स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक भी केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हो रही है। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह के दूसरे दिन की शुरुआत एक योग सत्र के साथ हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार समेत बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने मशहूर कोवलम बीच पर योग करते हुए ये संदेश दिया कि जब स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर चर्चा हो रही है तो दुनिया के लिए स्वस्थ रहने का सबसे उपयुक्त माध्यम योग ही है। इस मौके पर डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है जो कि निरोग रहने की शक्ति देता है। योगा हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ऐसी विरासत है कि जो हम सबको हेल्दी रहने के लिए हमेशा सिखाती है। और अगर हम योगा डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं कि जो हमें अनेक रोगों से दूर रखेंगे। डॉक्टर भारती पवार ने दिन में बैठक के दौरान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर साइट इवेंट्स का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को भारत सेवा के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा, साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक साबित होगा। इंडिया इन्विजन्स टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टुवर्ड्स हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग द पीस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर एंड अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस द वर्ल्ड। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह के दूसरे दिन कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग प्रमुख है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत ने जो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं, उन पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। साथ ही साथ सभी देशों ने स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक को आपस में साझा करने पर भी सहमति जताई है। Will create multiple pathways
for increasing access to essential treatments. Therefore, cross-border collaboration between countries, between governments. वहीं बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की और दुनिया के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर जोर दिया। I think this is an opportunity for Commonwealth and with India's leadership to progress on multiple fronts on innovation and technology to solve today's problems to help us achieve sustainable and inclusive development. बैठक से इतर G20 प्रतिनिधियों ने किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक की जानकारी ली। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों से सजी केरल की मशहूर कला मेझिदू कला को भी प्रदर्शित किया गया, जो आर्य द्रविड़ और आदिवासी परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद वाराणसी भ्रमण के दौरान सिकरोल शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन और कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों से वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां शेल्टर हाउस में आश्रय लिए लोगों ने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेल्टर हाउस में शौचालय एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। वहीं ठंड को देखते हुए कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में ना सोने पाए, ऐसे सभी लोगों के शेल्टर हाउस में सोने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तथा श्री काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया, जहां मुख्यमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गाजीपुर को प्रस्थान करेंगे, जहां भाजपा अध्यक्ष आज गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शाम वाराणसी पहुंचे, जहां विशेष विमान से वाराणसी पहुंचने पर जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा भी मौजूद रहे। बाबतपुर से सर्किट हाउस तक जगह जगह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जहां साल 2024 में लोकसभा चुनावों तक अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ने के बाद उनकी राज्य की ये पहली यात्रा है। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी, जहां पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी पाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद की अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ।
जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खबरों की दौड़ में छूट जाती है कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्य से भी अधिक निवेश हो रहा है। सिर्फ विदेशों से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से निवेश, प्रदेश के अलग अलग जिलों से निवेश, यानी अभी पूरा फोकस इस बात पर है कि अधिक से अधिक निवेश हो। इसीलिए अलग अलग सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, आईटी सेक्टर, हेल्थ, सोलर, एमएसएमई, हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उम्मीद है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। विदेश नहीं, देश में भी बंपर निवेश हो रहा है। देश की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहती। निवेश से बढ़ेगा प्रदेश। निवेश के लिए हैदराबाद में रोड शो हुआ। हैदराबाद के रोड शो से 19 कंपनियों ने 24,209 करोड़ का निवेश किया। अलग अलग जगह पर रोड शो और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग हो रही है। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग सेक्टर से रोजगार की काफी संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिला है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को भी इस निवेश से बढ़ावा मिलेगा। 2027 तक 22 गीगावाट की हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में भी सहयोग मिलेगा। निवेश से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार की जाएगी। सकल घरेलू उत्पादन को 4 गुना बढ़ाना है तो उद्योग, खनन और कृषि क्षेत्र पर भी फोकस करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में मूल्यवर्धन होना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब औद्योगिक निवेश होगा। जब यूपी का विकास होगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। अगर जिलों में निवेश की बात करें तो गाजियाबाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए 9,080 करोड़ का निवेश मिला। मुरादाबाद से 7,815 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। गौतम बुद्ध नगर से भी 5,821 करोड़ रुपए का निवेश मिला। मेरठ की बात करें तो मेरठ से 4,775 करोड़ का निवेश मिला। कानपुर देहात से भी 4,229 करोड़ का निवेश हुआ। निवेश लक्ष्य से कई गुना ज्यादा हो रहा है, इसीलिए प्रदेश की जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई है। निवेश का फायदा उन्हें भी रोजगार के रूप में, गांव के विकास के रूप में, अच्छे स्कूल के रूप में और स्थानीय स्तर पर उद्योग के रूप में मिले, ताकि प्रदेश में आर्थिक तरक्की हर गांव-गांव तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। अब निवेशक स्वयं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं। जहां यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साल 2023 की तैयारियों के बीच देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में एक हिंदुजा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में करीब 1,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए गुरुवार को हिंदुजा ग्रुप, अशोक लीलैंड और इंडस इंड बैंक के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मुलाकात कर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य सेवाओं के लिए सहयोग मांगा गया है, जिसके लिए मंत्री नंदी ने हर संभव सहयोग का भरोसा जताया है। शामली में किराना रोड स्थित आर्चिड होटल में इन्वेस्टर समिट साल 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, डीएम जसजीत कौर ने संयुक्त तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां इन्वेस्टर समिट में 31 उद्योगों के लिए 1,665 करोड़ का निवेश हुआ। यहां पेपर मिल, गैस पैकेजिंग, रिमधुरा उद्योग, मेडिकल कॉलेज समेत विभिन्न उद्योगों के लिए उद्यमियों ने निवेश किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद
प्रदीप चौधरी ने कहा कि देश में पीएम मोदी व प्रदेश में सीएम योगी की सरकार बनी है, उद्यमियों में भरोसा जगा है और उत्साह के साथ उद्योगों की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने से उद्योगों को बढ़ावा मिला है, यही वजह है कि शामली में निवेशकों की संख्या व निवेश बढ़ा है। उन्होंने उद्यमियों को भरोसा दिलाया है कि उद्योगों के लिए एनओसी, बिजली प्रदूषण व भूमि से संबंधित समस्याओं का निदान त्वरित कराया जाएगा। खुल के आप लोगों ने निवेश के लिए आगे आए हैं, बहुत अच्छा अमाउंट, लगभग 1500 करोड़ का अमाउंट हो गया है, 1545 करोड़, 1500 करोड़ पार कर चुके हैं हम लोग। और मैं आशा कि आगे एक दो तीन दिन में और भी लोग आप लोगों को देखकर प्रोत्साहित होंगे, जो पॉलिसीज हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी हैं उन्हें जानकर उनके अगर मन में कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर होगा और वो लोग भी आगे आएंगे। तो शामली जनपद का जो टारगेट है हम लोग 2 गुना से ज्यादा अचीव कर चुके हैं, हम सब लोग मिलकर उससे भी आगे अचीव करेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। क्योंकि हमारे जिले को 750 करोड़ का बजट टारगेट था जिसको हमने 1545 कर लिया है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हम 3000 तक पहुंचेंगे। उद्यमियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लगभग मैं मानता हूं कि 80% इंडस्ट्री वाले आज यहां पर थे और मैं इसके लिए प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, शामली जिले की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। हमारा गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 750 करोड़ का टारगेट गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन उसे हमने उत्साह देखते हुए उद्योगों के अंदर जो उत्साह है, एक सुरक्षा की भावना एक प्रदेश के अंदर बनी है, जो योगी जी ने हमारे प्रदेश में सुरक्षा दी है लोगों को, उसके तहत आज उस टारगेट को डबल से भी ज़्यादा कर देते 1545 करोड़ का MOU आज यहाँ पर साइन हो चुके और ये बहुत ही जल्दी इसी माह के लास्ट तक 3000 करोड़ हम लोग इसे निश्चित तौर पर क्रॉस कर लेंगे। उद्योगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने लक्ष्मी देवी व अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। मामले पर याची अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के प्रभाव की जानकारी के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कथित शिवलिंग बिना किसी छेड़छाड़ के कार्बन डेटिंग जांच की जानकारी मांगी थी, साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन केस के इस याचिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेने का समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी कार्बन डेटिंग जांच की जा सके। इस पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दाखिल कर कहा है कि उसके पास ऐसी विधियां हैं जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग जांच कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 8 हफ्ते का और टाइम मांगा है अपना जवाब दाखिल करने के लिए कि कार्बन डेटिंग के अलावा और भी क्या विधियां हैं जिससे कि शिवलिंग की एज डिटरमाइन हो सके। माननीय न्यायालय ने उनको 8 हफ्ते का समय दिया है। इन द मीनवाइल हमने ये प्रेयर की थी कि लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है तब तक के लिए उसमें डेट न लगे। माननीय न्यायालय इससे भी सहमत हुई है, उसने ये आदेश किया है कि 20 मार्च के बाद कोई लोअर कोर्ट डेट लगाए। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुद्दा इसी के खिलाफ याचिका वहां पे पेंडिंग है, तो उसमें हम एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से मांग लें कि क्या माननीय उच्च न्यायालय को इस मुकदमे को सुनने का अधिकार है या नहीं। अलीगढ़ में महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। टप्पल ब्लॉक के मालव निवासी पवित्री देवी के पति परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन परिवार चलाने में मुश्किलें बहुत आती थी। पवित्री देवी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर मेहनत की तो मुश्किलें कम होने लगी। पवित्री देवी घर के काम के साथ स्कूल बैग बनाकर हर महीने 5 से 6 हजार रूपये कमाकर घर में हाथ पटाती है। इन्होंने पूरे ब्लॉक की महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। गांव में स्कूल बैग बनाना शुरू किया, साथ ही गांव की हिमलता और ममता का सहयोग लिया और उनकी आय बढ़ाने में मदद की। वहीं समूह की महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस योजना से आराम से घर का खर्च निकल जाता है और स्वयं में आत्मविश्वास भी है कि हम कुछ कर सकते हैं। मेरे घर में बहुत परेशानियां थी, मैं इसीलिए
समूह से मदद लेकर बैंक का कार्य करती हूँ, करना शुरू किया है। मेरे समूह की और भी दीदियाँ काम करती हैं, उन्हें भी समूह से बहुत मदद मिल रही है। आमदनी बहुत अच्छी थी, हमारे परिवार को अच्छी थी, सुखी रह रहा है। लोगों को काफी हेल्प मिली, मेरे परिवार को भी हेल्प मिली और हमने आगे बढ़ के मतलब खूब भाग लिया और हमारे समूह की दीदियों ने भी काम किया, उन्हें भी रोजगार मिला और उनके परिवारों को भी मदद मिली और मैं सरकार का धन्यवाद करती। तो वही स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाने से अब ललितपुर जनपद में भी 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए काम शुरू हो गया है। जिला पंचायती राज विभाग ललितपुर द्वारा चयनित सभी 23 ग्राम पंचायतों में ठोस और गीले अपशिष्ट के समुचित प्रबंध के कार्यों का बड़ा असर अब दिखने लगा है। तालबेहट तहसील अंतर्गत बड़ी आबादी वाले कड़ेशेरा कला ग्राम के प्रधान ज्ञान सिंह के स्वच्छता प्रयासों से गांव में साफ सफाई का वातावरण दिखने लगा है। गांव में हैंडपंप के प्लेटफार्म का ऊंचा कराना, सोखता पीठ का निर्माण, प्लास्टिक कलेक्शन बैंक एवं घरों के समीप गीले सूखे कचरे के लिए यूनिटें स्थापित हो जाने से अब गांव के स्कूल सचिवालय और सड़कों के साथ साथ तालाब का पानी भी स्वच्छ रहने लगा है। हमारे ग्राम पंचायत कड़ेसरा कला में हेडपम्प को ऊंचा किया जा रहा है, जिसके प्लेटफॉर्म ऊंचे किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उस सोक पिटी भी बनाए जा रहे हैं हेडपम्प के पास में, नालियां भी बनाई जा रही हैं और स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कचरा पात्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत में अभी 3 बड़े कचरा पात्र बनाए गए हैं जो कि 13x7 के हैं। मैं भी एक यहाँ का सफाई कर्मी हूँ तो मैं भी साफ सफाई में विशेष ध्यान रखता हूँ और कहीं दिक्कत ना हो गंदगी की, और लोगों को भी समझाता हूँ मैं साफ सुथरे रहें, अपना कचड़ा दान कूड़ा घर बन गए जैसे, नए नए गीला कचड़ा गड्ढा अलग है और सूखी का अलग है गड्ढा, मतलब पास ही में बने हुए हैं, तो लोगों को समझाते हैं कि गीला कचड़ा गीले कूड़ादान में डालें और सूखा सूखे कूड़ादान में डालें। गाँव के जो जहाँ कचड़ा फेंकता था वहाँ कचरा पात्र हैं, बड़े बड़े नाडेब हैं और कचरा इकट्ठा हो रहा है, जैसे प्लास्टिक है तो उसके लिए हम लोगों ने प्लास्टिक बैंक लगाए। इस स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है, इसमें हम ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। जनपद की 5000 से अधिक आबादी वाली 23 ग्राम पंचायतों का इसमें प्रथम चरण में जिसका चयन किया गया है, जिसमें हम ठोस और तरल अपशिष्ट का न्यूनीकरण या उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग उसमें ठोस के लिए RRC सेंटर बना रहे हैं, उनका सेग्रीगेशन सेट बना रहे हैं जहां कचड़े को पृथक्करण किया जाएगा और उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तरल के लिए हम लोग सोक पिट्स बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं ताकि उसमें फिल्टर चैम्बर और सिल्ट चैम्बर की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पानी का शुद्धिकरण होकर वो रिसोर्सेज में पहुंचे जहां भी वो जा रहा है, तालाब या नदी में। मेरठ के सरधना में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने कहा कि परीक्षा के भय को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने विशेष कार्यक्रम एग्जाम वॉरियर्स परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अपने आप को कम मत मानो, वे आत्मविश्वास जगाने की बात किया करते थे, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी सोच के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोर्ड एग्जाम से बच्चे तनाव ना ले, इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार छठे वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो परीक्षार्थी परीक्षा के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, 7 मंत्र परीक्षार्थियों के लिए और 28 मंत्र अभिभावकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जो उनके द्वारा लिखित इस किताब के अंदर है एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स का आज ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हुई और इन बच्चों ने, करीब 500 से अधिक बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है सरधना में, जिसमें से जो बच्चे 5 बच्चे प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आए हैं उनको सम्मानित किया गया और शेष बच्चे 25 बच्चों को सम्मानित किया गया और सबको प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है।
मुजफ्फरनगर जनपद के ननहेड़ा गांव में स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर घटतोली का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते गन्ना आयुक्त के आदेश पर भोपा थाने में उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी के मालिक राजकुमार अदलखा अद्यासी, विकास ठाकुर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदाता कंपनी के शरद जोहरी और तोल लिपिक पृथ्वी सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद के खांडसारी निरीक्षक मनोज पाठक द्वारा बुधवार को भोपा थाने में लिखित तहरीर देकर 8 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शुगर मिल अपने तोल कांटों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी के साथ मिलीभगत कर किसानों के गन्ना तोल में घटतोली कर रही थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामले में मुजफ्फरनगर के गन्ना अधिकारी आर डी द्विवेदी ने फोन पर मिली घटतोली की शिकायत पर गन्ना क्रय केंद्र ननहेड़ा प्रथम का निरीक्षण किया था, जिसमें घटतोली पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना भोपा पर खांडसारी निरीक्षक द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उत्तम शुगर मिल के मालिक समेत 8 लोगों के विरुद्ध एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि गन्ने की खरीद में घटतौली की जा रही है। उस एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विस्तृत विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे तो उनके आधार पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ के पर्यटन भवन में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सिल्क एक्सपो एवं पंडित दीनदयाल रेशम उत्पादकता पुरस्कार कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सिल्क ट्रेडर्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहां आयोजन में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के 40 रेशम वस्त्र उत्पादकों और बुनकरों के द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रेशम उत्पादकता पुरस्कारों का भी वितरण किया गया, जहां पुरस्कृत लाभार्थियों को बधाई देते हुए एमएसएमई मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेशम उद्योग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन के साथ साथ रेशम उत्पादकों की आय दुगने किए जाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन 10, 11, 12 चल रहा है, उसमें हमारे प्रदेश के सभी लोग लगे, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी मंत्री और पूरी सरकार, देश में और विदेश में भी लोग गए, देश में भी प्रमुख शहरों, तो देश विदेश के सभी उद्यमी हमारे लखनऊ आने वाले हैं, जो एक बड़ा। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित, युवाओं को भी करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में, बूथ अध्यक्ष के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी, जहां पीआईबी फैक्ट चेक में ये दावा पाया गया है फर्जी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में मांगा गया है जवाब। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।